और मंगला में बैंगलोर में ये हमेशा आपको दिख जाएगी। पार्टी करते हो गाइस, निकल चुके हैं घर से और सीन कुछ ऐसा है कि अपने को मिल गया साथी घूमने के लिए, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ दिखाते हैं कौन अपने को मिला है। फाइनली आज तो निकल रहे हैं भाई, लेकिन धूप भी आज भयंकर निकला है। शाम को तो बारिश हुआ था लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो सीन ऐसा ही गाइस, अभी जा रहे हैं कुंदन अली गेट। हाँ, कुंदन अली गेट से लेना है अपने को HSN का बस, वहाँ जाना है अपने को। तो देखते हैं क्या सीन चलता है, थोड़ा पता है अपने को कैसे कैसे जाना है, तो बढ़िया है। सीन कुछ ऐसा हो गया कि भाई 500 मीटर दिखा रहा था, जब 500 मीटर पास पहुंचे तो और 500 दिखा रहा है। भाई यार आज भी फंसे हैं, लेकिन आज शाम को भी बारिश हो गया तो अच्छा मौसम हो जाएगा भाई। धूप तो भयंकर भयंकर कहते हैं ना, भयंकर वाला धूप है यहाँ पर। तो देखते हैं गाइस, जाकर कुंदन अली से पहले बैठते हैं यार, बहुत हो गया धूप वाला काम। चलो बताया था कि आ रहे हैं किसी से मिलने के लिए। तो गाइस मिलने के लिए किसके पास आ रहे हैं वो आपको बताते हैं अच्छे से। ये है वो लड़की दोस्त है और कुछ नहीं है, गलत मत समझना गाइस। पहले डिस्क्लेमर दे रहे हैं, भले थंबनेल में कुछ और दिख जाएगा लेकिन डिस्क्लेमर यहाँ पर है, वो क्लिकबेट के लिए डाल देता है। इसका नाम है युक्ता, जो हमारी क्लासमेट थी ग्रेजुएशन में और अब यहाँ पर पार्टी कर रही है। अभी तो सैटरडे संडे काम करती है ना, मतलब सैटरडे संडे पार्टी करती है ना हमेशा। और मंगला में बैंगलोर में ये हमेशा आपको दिख जाएगी पार्टी करते हुए। जाती ही नहीं है, कहीं और दिख जाएगी लेकिन पार्टी करते हुए हमेशा दिखती है भाई, है ना। ये वीडियो में मेरा पहली बार आई थी जब हम वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे, ठीक है। और अब जब हम एक्सपीरियंस हो गए हैं, थोड़े से फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, मतलब सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, पहले 100 थे अब 7x हो गए। हाँ गाइस, 700 लोग देख रहे हैं। कुछ कहना चाहती हो? कुछ नहीं कहना चाहती, बंद करो। अरे ये हाथों में क्या है भाई, बेइज्जती करते हैं यार हम वीडियो पे हर लोग को का, और खासकर लड़की लोग का बेइज्जती हम ज्यादा करते हैं। तो करके देखो। नहीं गाइस, अपना बेइज्जती नहीं सहना है। तक हम कर रहे हैं बाय बाय, अपने को मिलना है। तुमको पहले ही बाय कर दे रहे हैं यार, देख बेइज्जती तो हम सबका करते हैं, तेरा भी किए नहीं है, तुम ये ख्याल मना। गाइस अच्छा अबे बोतल। गाइस ये था हाउस ऑफ कॉमन्स, जो इसके राय पे हम लोग आए थे। अच्छा था, नाइस था, बढ़िया था। पास्ता खाया? नाइस था, बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। वाह वाह वाह, व्हाट एन इंग्लिश यार। अच्छा था, नाइस था, बढ़िया था, अच्छा कितना बढ़िया बोले। तुम्हारा ये फेवरेट है ना? पागल है? ये फेवरेट है। हाँ, तुम जाती हो ना हाउस ऑफ कॉमन? बोले तो पहली बार जा रहे हैं। ये पहला ना ऐसे घर के आसपास? तो पहला ही है। गाइस सीन कुछ ऐसा कि युक्ता तो चले गई, दो ढाई घंटा वहाँ बैठे, फिर वहाँ से सीन चलते उधर चले गए। सौरभ को कॉल किए थे, सौरभ भी यहीं पे रहता है, और भी लोग हैं, मतलब सौरभ है, उसको कॉल किए थे, दो लोग सामने मिलते हैं। तो सौरभ हो सकता है रात में आए, उस टाइम उससे भी मिल सकते हैं। युक्ता तो चली गई उधर, युक्ता से भी मिलेंगे आगे 10-15 दिन बाद मिलेंगे युक्ता से फिर। और अपना सीन कुछ ऐसा कि अब जा रहे हैं वापस घर, तो अपने को वापस घर जाना है तो यहाँ पे डबलर टूबलर करके क्या नाम है वहाँ पे चेंज करना है, ये सीन है। टूबलर से चेंज करके अपने को जाना है कहाँ जाना यार, तुबराली, तुबराली जाना है, वहाँ जाना है, फिर वहाँ से फिर और कहीं जाना है, ये सीन है अपने का। ये सीन अभी अपने चल रहा है। और शाम का मौसम यहाँ पर बढ़िया रहता है भाई, शाम का ही मौसम को पसंद आता है। देखो शाम का मौसम एकदम शानदार चलता है, सीन ये रहेगा ही तभी। तो गाइस घर तो आ चुके थे, अब अपने को खाना था डिनर, तो डिनर करने के लिए जा रहे हैं हम और वहीं पे रमेश्वरम। रमेश्वरम का कहानी ये है कि भाई रमेश्वरम में एक बार ये भी हुआ था ब्लास्ट, तो वो आया होगा IG पे आप लोगों ने देखा होगा, और वहाँ पर डे का सेलिंग 4 लाख रुपए होता है, शायद कम बोल रहे हैं इससे ज़्यादा ही होता है। तो अगर कार्तिक आर्यन ने सब भी आया तो वहाँ भाई सुने बहुत बढ़िया फूड होता है, हम कभी गए नहीं है, तो चलते मोहित भैया के साथ। भैया क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? रमेश्वरम कैफे, रमेश्वरम कैफे नाम है गाइस। हाईली ओवररेटेड फेमस कैफे। हाईली ओवररेटेड? ओवररेटेड क्यों है? खाना अच्छा नहीं है क्या? अच्छा अच्छा। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं रमेश्वरम कैफे, जहां पर ब्लास्ट हुआ था ना।
वही वही पे सीधा लेके जा रहा है वही पे ले जाके बैठा भी देंगे जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था गाइस। कोई बात नहीं, हम लोग जेट प्लस सिक्योरिटी में जा रहे हैं। ये हमारा खाना है, इडली है, डोसा है और यहाँ पर मुझे खा रहा है। बहुत स्ट्रगल के बारे में टेस्ट करके देखते हैं गाइस कैसा है। दिखने में तो अच्छा लग रहा है, यहाँ का भीड़ भी काफी, देखते हैं टेस्ट कैसा है। अच्छा गाइस, हमने मंगाए थे डोसा इडली, इडली तो हमको अच्छा लगा, अब डोसा खा के देखते डोसा कैसा लगता है। क्योंकि भाई यहाँ पर भीड़ जो है ना, भयंकर टाइप का भीड़ है। और यहाँ पर तो मोहित भाई अलग से डरा दिया कि यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, अलग जहाँ पर बैठे हैं वहीं पे भाई और डर लग रहा है। अब ऐसा कुछ नहीं है, सब चील मामला है। अच्छा डोसा भी अच्छा है, डोसा भी अच्छा है। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि हम रेस्टोरेंट कैफे तो खा लिए, खाना सही में टेस्टी भी था, बजट थोड़ा सा प्राइस में देखा जाए तो थोड़ा सा हाई है, क्योंकि भाई बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, पूरा बैंगलोर का लोग ही पहुंचा रहता है, ऐसा आते हैं गाइस। और चार सेंटर है, बैंगलोर में चार सेंटर है, चार सेंटर सिर्फ बैंगलोर में ही और कहीं है और का पता नहीं, बैंगलोर में चार सेंटर है। बैंगलोर में हम तो सिर्फ बैंगलोर में ही देखे गाइस, तो बैंगलोर में इसका चार सेंटर है। और अभी हम लोग जा रहे हैं रूम और का प्लान बन गया हम लोग मैराथन दौड़ने का। कल हम लोग मैराथन 10 किलोमीटर दौड़ेंगे गाइस, भले 10 किलोमीटर बोल रहे हैं लेकिन 10 किलोमीटर नहीं दौड़ पाएंगे। और अभी हम लोग बैंगलोर के सड़कों पे गाइस, ये रहा बैंगलोर के सड़कें जो बड़ी सुंदर है लेकिन ट्रैफिक बहुत भर के मिलती है आपको। तो गाइस कल मिलेंगे, अब सुबह सुबह हमारा प्लान बनेगा कैसे जाना है, कैसे नहीं करना है। और अभी जाते हैं पहले रूम, क्योंकि अपने को रूम जाना जरूरी है, क्योंकि बज रहा है रात से 11, रात भर तो पूरा बैंगलोर खुला रहता है, ऐसे ही भीड़ रहता होगा भैया। 12-1 बजे तक खान पुरुष और रविशरम गाइस 1 बजे तक खुला रहता है। कल सुबह का प्लान क्या है गाइस, मैं बता रहा हूँ, कल सुबह का प्लान है कि 10 किलोमीटर अपने को दौड़ना है, लेकिन कहाँ तक हम लोग दौड़ सकते हैं वो देखना है अपने को, क्योंकि एक मैराथन निकलेगा स्टेडियम से जो यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर है, वो लेके जाएंगे मोहित भैया हमें और हम लोग उस पर दौड़ेंगे। अब देखते कितना दौड़ सकते हैं, हम पहले ही हाथ उठा दे रहे क्योंकि हम लोग 2 किलोमीटर तक दौड़ पाएंगे, हम सिर्फ 2 किलोमीटर दौड़ पाएंगे, क्योंकि दौड़े हुए सालों हो गया है और जिम के हुए महीनों हो गया गाइस। और अभी हम लोग गलियों में, बैंगलोर का गलियों में, और गलिये भी खुले हैं, रात भर खुले रहेंगे ये सब। चलिए मोहित भैया गुड नाइट, कल सुबह दौड़िएगा अच्छा से, कल सुबह अच्छे से दौड़िएगा। तो गाइस आ चुके हैं घर, रविश्रम का अच्छा खाना खा के और गाना सुनना बस लिफ्ट का। तो भाई खाना तो बहुत बढ़िया था, अच्छा था, बढ़िया लगा मुझे। पर कल सुबह का जो सीन है, कल सुबह 3:30 बजे उठना है अपने को, 3:30 बजे उठ के जाना है दौड़ने के लिए। कल तो दौड़ लेंगे, परसों अगर आ गया जॉइनिंग डेट तो गए हमें, ऐसा सीन बन जाएगा। बाल तो भाई भयंकर बढ़िया, बाल पूरा अभी बड़ा करेंगे, कॉलेज वाले जाना नहीं है, बस दाढ़ी सेट रहेगा अपना, खुल जा, ये गाना ही बजते रहता है भाई। चलो सीटों बजा देंगे एक बार तो बन जाएगा रात का दिन। तो गाइस यहाँ चिल्ला चिल्ली नहीं, हम भूल जा रहे हैं भाई कि हम नोएडा में हैं, नोएडा छोड़ के आए हुए हैं। तो सीन कुछ ऐसा है गाइस कि अब जा रहे घर, और आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो बना नहीं होगा तो आपको यहीं तक करते हैं। गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर जो भी है यार, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, बहुत कुछ कर सकते हो, हेलमेट पहन के अपने को जाना है।